मेरे को बचा लो भगवान का वास्ता, मेरे को बचा लो, मुझे इधर से जल्दी निकलना है, ये लोग मार डालेंगे मुझे। इतनी तकलीफ होती है ना मुझे, इतनी घुटन सी महसूस होती है मुझे। अगर मैं इधर से नहीं निकली ना तो मैं खुद की जान ले लूँगी। शायद मेरे लिए यही अब रास्ता है, इससे ही सुकून मिल जाए मुझे। प्लीज़ भगवान के लिए मुझे निकालो, वरना वरना खुद को मार डालूंगी। ये एक रास्ता है मेरे लिए। आउँदैछु एकैछिन है। कता त्यो मेरो मोबाइल लिएर त छ र? त्यतैतिर खोज न, घरतिरै त होला नि। त्यो राधिका आन्टीको नम्बर लगाइदियो त, सेभ गरेको छ र? अति गरे होइन। ए बेटा, हेलो हेलो राधिका, खोइ घन्टी सन्टी गएको छैन त। घन्टी जाँदैछ, पख्नु न, अहिले उठाउँछ। हेलो राधिका, अँ म सन्चै छु। परि एक कप चिया लिएर मेरो कोठा ल्याइदेऊ। भनेपछि तैँले अझै एक्टिङ छोडेको छैनस्? तँलाई के को मतलब? हे, तँलाई यसले हेल्प गर्दैन, फुपूले थापाउनु भयो भने नि। आफ्नो मोबाइलमा जाब एउटा नम्बर त डायल गर्न आउँदैन, कसरी थाहा पाउँछ? तैँले सोचेको जस्तो लाडी पनि हुनुहुन्न। यहाँ छोड न, त मलाई हेल्प गर्न सक्दैनस् भने मेरो कुराहरूबाट टाढै बस्। म तँलाई मद्दत गर्न चाहन्छु, तर तँ भने मेरो कुरै सुन्दिनस्। हजुर फुपू, चिया पाक्यो? अँ लिएर आउँदैछु। त्यतिसँगले पुग्छ? अब चाहिँ चाहिने भन्दा बढी भयो। दिदी, सागको कसरी हो? पचास? कस्तो महँगो। तिस का आधा किलो? नहीं आएगा, कितने का आएगा? 60 रुपये किलो। अरे तो 30 का आधा किलो। अरे अभी ले रहा हूँ आपसे, ले रहा हूँ। अरे अरे यार, काम में फंस गया था, सॉरी ना। मेरे पास सिर्फ एक घंटा होता है, ऊपर से तुम आधा घंटा लेट आते हो। अच्छा ना, सॉरी ना। सेब खाओगी? नहीं। मोमोज? मैं खुद को मार डालूंगी, ये एक रास्ता है मेरे लिए। वाह भाई, अच्छी परफॉर्मेंस है, मुझे व्हाट्सएप कर सकती हो ये? हाँ हाँ भेजती हूँ, लेकिन मेरा डाटा पैकेज खत्म हो गया है। आराम से कर देना, मसला नहीं है, बस तुम्हारी डिक्शन पर काम करना पड़ेगा। डिक्शन मतलब? एक्टिंग अच्छी नहीं है क्या मेरी? यार एक्टिंग तुम्हारी अच्छी है, डिक्शन मतलब प्रोनंसिएशन, तुम जुमला कैसे बोलती हो, कुछ लफ्ज़ ठीक नहीं है तुम्हारे हिंदी के। तुम्हारा मतलब मेरे को हिंदी नहीं आती? मुझे मुझे मेरे को नहीं, मुझे मुझे हिंदी हिंदी नहीं आती है। मुझे हिंदी आती है। अच्छा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे काम करना पड़ेगा, जैसे कि तुम्हारा मेकअप बहुत ओवर करती हो। सच्ची? हाँ, ऐसे ही स्टार नहीं बन जाते, समझ आई? मुझे सिखा दो ना, सब सीख लूँगी मैं, प्लीज़। देखो भाई, मैंने जो एक्टिंग स्कूल में सीखा था ना, मैं वैसा नहीं सिखा सकता, लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा। जो भी सिखा सकते हो सिखा दो। हाँ हाँ, करते हैं तुम्हारी एक्टिंग पे काम। ड्रिंक्स नहीं है, क्या पियोगी? लेमन सोडा। भाई एक लेमन सोडा प्लीज।
तेरो त्यो साथी हेर्दा चाहिँ कस्तो छ? हेर्दा ठिकै छ। ठिकै मात्र? राम्रो देख्दैन? हैन, राम्रै छ। ठुलो ठुलो आँखा छ, लम्बु छ, काली काली हिस्सी परेको छ। भेट्न चाहिँ कहाँ भेटिस्? धेरै क्वेसन नसोध, सबैको एन्सर छैन मसँग। मलाई सबै कुरा थाहा छ। ए, थाहा रहेछ त, किन सोधिरहेको? यति हो कि तेरो मुखबाट सुन्न चाहन्छु। सधैँ तैँले चाहेको मात्र हुँदैन, मलाई जे गर्न मन छ म त्यही गर्छु। सधैँ तैँले त्यही त गरेको छस्। सधैँ कहिले गरेर? कहिले के भएको छ र मैले भनेको कुरा? सधैँ तेरो इच्छा मात्र त पुरा भएको छ नि। तैँले जे पाइस् मैले नि त्यही पाउँथेँ। मम्मी मलाई पिङ्क स्कुल ब्याग चाहियो, मैले नि त्यही पाएँ। मम्मी मलाई चिकन खान मन लाग्यो, मैले नि त्यही खान पर्छ। तपाईँ म माथि यत्रो रिस्क किन? थाहा छैन मलाई। तँलाई थाहा छ कलेजमा के गरिस् तैँले? म अडिसनमा सेलेक्ट पनि भइसकेको थिएँ फिल्ममा। तैँले मम्मीहरूलाई कुरा लगाइदिएर म जान पनि पाइनँ। तैँले मम्मी ड्याडीलाई केही भनिस् त तँलाई के चाहिएको छ भनेर? अब भन्छु म, मलाई जे चाहिएको छ म त्यही भन्छु। कसैको कुरा सुन्दिनँ, तेरो पनि सुन्दिनँ। नसुन अनि आफ्नो गल्तीको सजाय पनि आफै भोग। त किन सधैँ उल्टो मात्र सोच्छस्? कहिले राम्रो सोच्न सक्दैनस्? परि त कसँग कुरा गर्दैछस्? आज राधिका आन्टी आउँदै हुनुहुन्छ खानासाना पकाउने। सामानहरू सही छैन? ल, अब तैँले पनि राम्रो कपडा लाएर बस्नु। पहली दफा ही हो गया? नहीं, पर जितनी बार इधर आती हूँ ऐसा लगता है पहली बार आई हूँ। कितना नया महसूस होता है, एकदम आजाद। तुम्हें पता है मैं जब भी पोखरा आता हूँ यहाँ जरूर आता हूँ अकेले अपने साथ वक्त गुजारने के लिए। तो तुम अकेले रहना चाहते हो? शायद। तो फिर मैं चली जाती हूँ। अरे अरे मजाक करो। ड्रेस लाई हो? हाँ, बैग में है, पहन लो। हाँ पहन लो। हेलो। हाँ बे, अभी किधर हो बे? ना तुम्हारा कुछ पता है ना उस लड़की का। पिला रहा हूँ, थोड़ा वेट कर। बड़ा इंतजार करवाते हो तू। कुछ तस्वीरें हैं तो भेज दे। उसी के लिए तो आया हूँ, रात तक भेजता हूँ। भेज दो, आगे भी दिखानी होती है। हाँ हाँ, फोन रख। अभी अभी कैसी लग रही हो? सुंदर। एक मिनट, बाल ठीक कर लूँ। Chin up. Smile. हाँ बोल। एक बात तो बताओ, इस दफा इतना समय क्यों लग रहा है? चक्कर क्या है? देख मुझे मेरे टाइम लेने दे और तू टेंशन ना ले। जादू का चिराग नहीं है मेरे पास, इधर घिसूँ उधर बच्ची निकले। तुझे पिक्चर व्हाट्सएप की है ना, चेक कर। और हाँ सुन, इस बार मुझे चिल्लर नहीं चाहिए। जैसी बेबी वैसे पैसे। चल अब फोन रख। हेलो। सही कह रहा था यार तू, बेबी तो बड़ी चिकनी है, ये डांस वांस कर लेगी।
चिया पिउँदिनस् त आज पिउन मन लाग्यो ल ठिक छ आफूलाई जे गर्न मन लाग्छ जे गर्दा खुसी हुन्छस् त्यही गर तैँले मेरो बारेमा पनि सोच्छस् कहिलेदेखि सोचेर त अहिलेसम्म छु नि तैँले त हो नि मलाई छोडेर गएको मैले तँलाई छोडेर गएन तँलाई नै मसँग बस्न मन थिएन तँलाई के थाहा म के चाहन्थेँ भनेर तैँले एकचोटि सोधिस् मैले सोधेको कुराको कहिले एन्सर पाउँथेँ मैले जे गर्न भन्थेँ मैले त्यही गर्थेँ जाफुपुको घर पढ्न भने त्यही भएर आएँ अनि मेरो बारेमा सोचिस् तैँले एकचोटि सोचेको थिएँ नि सधैँ सोच्थेँ मलाई तँ भएको ठाउँ आउन मन थियो जे भए पनि तिमीहरू मेरो आफ्नो थियो तर मलाई यहाँ आउनु पर्यो यहाँ आएपछि भूकम्प आयो तँलाई मम्मीलाई भनेर खोज्न भनेर म गएँ कति खोजेँ कोही पनि पाइनँ मैले न तँलाई पाएँ न मम्मीलाई न हाम्रो घर म पनि तँलाई आफू भएको ठाउँमा बोलाउन चाहन्थेँ तँलाई सम्झाउन चाहन्थेँ मम्मी तेरै बारेमा सोचिरहनुहुन्थ्यो भनेर तेरो कति चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो तर तैँले जे चाहन्थ्यो त्यही भयो होइन पाइस होइन फ्रिडम हाँ बोल डेढ़ लाख में डील डन कर दिया मैं बारह को अब जल्दी से आओ केक काटते हैं डेढ़ मेरी तुझसे दो की बात हुई थी क्या बोला अबे तुझे बताया था नहीं हो पाएगा क्या बात कर रहा है ठीक है नहीं हो पाएगा तो भूल जा सब मैं अकेले ही आ रहा हूँ बड़ी मेहनत से बड़ी मुश्किल से डील पकड़ी छोड़ो मत इसे जल्दी से लड़की लाओ अपने पैसे पकड़ो और नहीं अब बस दो ही चाहिए वरना लंड पे चढ़ फिर वापस कब आओगे पता नहीं शायद कभी भी नहीं मेरा वैसे भी यहाँ पे काम खत्म हो गया अब सिर्फ अपनी एक्टिंग पे फोकस करूंगा एक दो ऑडिशंस दिए थे मैंने
वहाँ से जवाब आया है, जाना पड़ेगा। तो तुम बड़े स्टार बन जाओगे और मुझे पहचाने की भी नहीं। तुम स्टार बन गई तो चल पागल, मेरी किस्मत में यही लाइफ लिखी है। तुमने अपनी किस्मत में ये जिंदगी खुद लिखी है। इतनी अपॉर्चुनिटीज है, बाहर बाहर निकलो तो पता चले। कैसे निकलूं मैं किसी को नहीं जानती है। और तुम ही तो मेरे एक दोस्त थे और तुम भी जा रहे हो। वैसे मैंने तुम्हारी वीडियोस एक कास्टिंग डायरेक्टर फ्रेंड को भेजी थी, उसने कहा है कि शॉर्ट फिल्म में रोल मिल सकता है, करोगी? सच्ची? किधर? मुंबई, हर एक्टर का ड्रीम सिटी है। अमिताभ, करीना, कटरीना, सलमान, शाहरुख। मुझे शाहरुख का घर दिखना है और उसका चेहरा नजर आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा। चलो मुंबई, शाहरुख का घर भी दिखाऊंगा, हम एक साथ काम करेंगे। अगर मैं पहले स्टार बन गया तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, और अगर तुम हीरोइन बन गई तो तुम मुझे हीरो बना देना। मैं कैसे आऊंगी मुंबई? मेरे साथ। और वैसे भी यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं है, ना फैमिली, ना अपना घर, और वहाँ तुम्हारा ड्रीम है, एक मकसद है तुम्हारे पास। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। चलो मुंबई चलते हैं। कामा को किरण फीका भो माया को समो रातनी आजा हिरिका भो माया ले छुनो जिन्दगी अलि राम्रो होस् भनेर। तर त्यो केटाको केटा मेरो साथी हो, जुन त कहिले पनि भन्न सकेनस्। त्यसले मलाई बुझ्छ आछ, तैँले कहिले पनि बुझेनस्। उसलाई थाहा छ मेरो लागि मेरो सपना के हो भनेर। अनि मलाई यो नर्कबाट निस्किन चाहन्छु, यो बस्न मन छैन मलाई यो घरमा। अनि उसले मलाई सहयोग गर्छु भनेछ, हेर मलाई कसैले रोक्न सक्दैन, तैँले पनि। त्यही भएर नरोक मलाई। को किरण फिका भो माया को समो रातनी आजा हिरिका भो माया ले छुनो
संगीतले मुस्कान सबै समय